हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बाल दिवस के बारे में निबंध लिखाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। भारत देश में हर वर्ष चौदह नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसलिए नेहरू जी का जन्मदिवस हर साल पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मनाया जाता है। उनके अनुसार बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के कल्याण पर विश्व कॉन्फ्रेंस में बाल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। बाल दिवस की नींव1925 में रखी गई थी। और में इसे मान्यता मिली। बाल दिवस बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सभी बच्चे खुश दिखाई देते हैं। इस दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
आयोजित किए जाते हैं। बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर हम बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने में प्रयत्नशील कार्य करेंगे तो ही देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये बाल दिवस का निबंध अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा निबंध कैसा लगा। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।